कोरोना वायरस ने पूरे देश और दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अजमेर में भी कोरोना वायरस ने अचानक ही अपने पैर पसार लिए हैं और आज अजमेर में खबर लिखे जाने तक कुल 106 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामले लोगों के लिए डर साबित हो रहे हैं। वहीं इसी बीच लोगों के लिए मिसाल बन रही अजमेर की रहने वाली संजय कुमारी पैर से विकलांग है, पर उनका हौसला और जज्बा देखकर कोई नहीं कह सकता वह विकलांग है। संजय कुमारी अजमेर के रामनगर डिस्पेंसरी में कार्यरत है और वह अपनी गाड़ी के जरिए अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और लगन से निभा रही है। वह लोगों के घर घर जाकर सर्वे कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वह घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन के नियमों की पालना भी करें। संजय कुमारी ने बताया कि उन्हें कहीं कहीं पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर स्थानीय पुलिस उनकी सहायता करती है और उन्हें उस परेशानी से निकालने में मदद भी करती है। वहीं संजय कुमारी ने अजमेर के लोगों से भी अपील की है कि वह घर से बाहर ना निकले और कोरोना से बचे। वहीं लोगों ने भी संजय कुमारी के हौसले और जज्बे को सलाम किया है और स्वामी न्यूज भी संजय कुमारी के इस जज्बे और हौसले को सलाम करता है और लोगों से अपील करता है कि वह घर में रहें, सुरक्षित रहें। सर, अभी हमारी टीम ने जो सर्वे किया है, कम से कम 10-12 जनों की टीम है सर। तो फवारा सर्किल से लेके और ये दिल्ली गेट का एरिया आ रहा है, यहाँ गेट तक का सर्वे हुआ है। टीमें इस साइड भी कर रही है, इस साइड भी कर रही है और अदर फील्ड में भी टीमें भेजी है। CMHO सर के वहाँ से ऑफिस से सब जगह टीमें पहुँची है। नहीं सर, परेशानी कोई नहीं होती। अगर परेशानी होती है अगर कहीं भी, तो सर ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनसे हेल्प ले लेते हैं कभी कभी और हेल्प करते भी हैं सर हमारी। आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला है? अभी कितने मकान में सर्वे कर लिए लगभग? सर करीब करीब अजमेर का काफ़ी कुछ एरिया हो गया सर। अच्छा, कुछ एक एरिया जिनमें मतलब अभी रेगुलरली चल रहा है। आपने भी तो हाँ, और एक एक एरिया को कभी कभी तो दो बार भी रिपीट हो गया सर। मैम ये बात बताइए, अब भी शरीर से तो सिर्फ प्रॉब्लम है, फिर भी आप जमीन पर कितनी मेहनत कर रहे हैं? तो सर ये मेहनत तो करना ही पड़ता है क्योंकि इस फील्ड में है, तो मेहनत तो अपने लिए। कौन से डिपार्टमेंट है आप? सर ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है सर अजमेर। जब से बीमारी आई रामनगर डिस्पेंसरी UPSC रामनगर में मैं NM पोस्ट पे हूँ, एडिशनल NM पोस्ट सर। तो बताइए मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? सर सबको यही संदेश देना चाह रही हूँ सर मैं तो, कि अपने आप में सेफ्टी रखो बस, और एक दूसरे की होती कोशिश, अगर मदद करना भी चाहे कोई तो मदद कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताइए मैम, आपके भी तो प्रॉब्लम है, फिर भी आप जमीन लेवल पर इतनी मेहनत? सर मुझे शौक है लोगों की पब्लिक सेवा करने के। मैं शुरू से 7-8 सालों से यही मतलब मन से, तन से और मन से दोनों तरह से मैं कर ही रही हूँ।